हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड, यहाँ मेरी बेटी को स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, सरस्वती पूजा जो आ रहा है, जो कि 14 फरवरी को होने वाली है, माँ सरस्वती की पूजा। तो इन लोगों के स्कूल में इन लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है, इसका एग्जीबिशन लगेगा फ्रेंड। तो ये यहाँ मेरी बेटी एक हार्ट बनाई है, जिसको अब कलर कर रही है। मैंने भी इसका हेल्प किया साथ में। और यहाँ देखिए, हम लोग सब मिलके प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि समय से पहले हो जाए। और ये फिर ये लगभग 11 बजे का समय था, मैं कुछ घर में फटे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी सिला जाए, क्योंकि हम औरतों को एक एक पैसे के लिए अगर सोच के चले तो अच्छा होता है, कुछ पैसे की बचत भी हो जाती है। और हम गृहिणियों को सोच कर ही चलना चाहिए। मैं यहाँ कपड़े को सिल रही थी, क्योंकि घर के हर छोटे से छोटे कामों को करना अच्छा होता है। तो मैं यहाँ अपने आज एक एक काम को फिनिश कर रही थी। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरे बेटे ने धागों को कैसे पतंग उड़ाने के लिए, उसे एक लकड़ी में लपेटा था, मैं उसी को हटा के रख के मैं उसी से ही कपड़ों को सीती हूँ। और अब आ गया खाना बनाने का समय, दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे। तो मैं यहाँ आज बेसन कढ़ी और चावल बनाई थी, और साथ में आलू की भुजिया भी थी। तो मैं यहाँ बेसन को घोल रही हूँ, इसमें मैंने लहसुन मिर्च का पेस्ट और हल्दी नमक डाल के इसको अच्छा से फेंट लिया। बेसन को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना चाहिए। और अब मैं इसका तैयारी कर रही, मैं इधर आलू की भुजिया भी बना रही थी, और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा था और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, बच्चे को मैंने स्कूल से आने के बाद हल्का नाश्ता दिया, और फिर मैंने कहा खाना बन जाने के बाद बस खा लेना तुम लोग खाने को। और मैं यहाँ बस अपने कामों में लग गई। मैंने पापड़ भी तला था, इसे मैं अच्छे से एक पॉलीथिन में रख दूंगी। और बस खाना बनाते बनाते कब समय बीत जाता है, बीत गया समय का पता भी नहीं चला। और मैं यहाँ आलू की भुजिया लगभग मेरा बन ही चुका था, मैं अब इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी और फिर कढ़ी बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ देखिए मेरी बढ़िया जो है कढ़ी की पकौड़ी जो है कितने फूले फूले बन रहे हैं, मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और मैं कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में सब्जियाँ बनाती हूँ, इसलिए लोहे कढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं। और मैंने यहाँ कढ़ी को जीरा, मंगरेला, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च से छौंक लगाया, और मैंने दही भी इसमें डाला था। और मैं इसे लगातार चलाते चलाती रही, ताकि हमारा जो कढ़ी का ये जो है फटे नहीं। और ये जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं पकोड़े को डाल के गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि पकोड़े डालने के बाद कढ़ी को नहीं उबालना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो फट जाता है और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। तो इसके बाद हम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया था, और ये लगभग शाम के 3 बज रहे थे। तो हम लोगों का गांव में खेत होता है फ्रेंड, जिसमें भी धान की कटाई होने के बाद उसको धान को पीटा जाता है। तो हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना हम लोग खेत जाए। तो मैं और मेरे बेटे हम लोग सभी खेत गए थे, जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो हम लोग खेत गए, और मैं आज आपको अपने गांव का खेत दिखाऊंगी। तो ला वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप गांव के नज़ारे को एंजॉय करें।
기분 설명할 수 없어. 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무나 서럽겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니.